2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस मतलब रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे तीसरी बार में। तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माता जी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई मतलब ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, पांचवी बार काटा, छठवीं बार काटा, सातवीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। साथी बात किस दिन काटा आपको? सातवीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूरा आभास होता है काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा, 7 बार जैसे आपको काटा है तो आप ही के घर में काटा, बाहर भी आप रहे होंगे? पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती है मेरी, तो मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। अच्छा बेटा, ये बताओ जो सांप आपको काटता है, कभी सांप को देखा है आपने? सांप को पहली बार देखा था जब पहली बार उसने काटा था, तब मैंने देखा था तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था, ठीक। दूसरी बार मैं बाथरूम में था तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था तो पाइप के पास से वो निकल अंदर जा रहा था तो हमने उसकी पूंछ जो थी आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद। जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ लिए ही लिया है, एक बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा। एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा, हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप आपने देखा होगा, सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम जैसे सांप जंगली के सांप बारे में आज तक कभी मैंने सांप किस तो कलर देखा का था, नहीं, कुछ ऐसे ये है बताइए। कि ब्लैक कलर का सांप था, हर लगभग बार इतना बड़ा था। अच्छा, ये बात जो आपसे कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा, ये क्या कैसे कहता है, मतलब सपने में कहता है क्या सपने सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको ना डॉक्टर ना तांत्रिक ना महाराज ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। सर? जब आपको काटा है, काटने के बाद जैसे घर वाले आपको हॉस्पिटल ले गए हैं, तो कभी सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए? सरकारी अस्पताल में बोले तो गए, पहली बार गए, ठीक है। तो जैसे पहली बार गए तो वहाँ रात में 10:30-10:15 बजे काटा था, ठीक है। तो ये हमें तो याद नहीं है कि क्या कहते हैं वहाँ गए वहाँ क्या बात हुई, मगर बाद में हमें ये पता चला कि हमारे परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था सब सरकारी अस्पताल ले गए थे तो वहाँ के डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर कोई वहाँ था नहीं, ठीक है, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर वो फ़ोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ है। जैसे आदमी सरकारी तो चीज़ वही होती है ना जो मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मरीज आया देखे। अब आदमी को जब सांप काटता है ना तो 10-15 मिनट का खेल होता है बस, 10-15 मिनट में या तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा। जितने बार आपको सांप ने काटा है, जिस हॉस्पिटल में आप दवा करा रहे हैं, इलाज हो रहा है, दवाएं जब जाती होंगी तो उसका रिएक्शन नहीं हो रहा, बहुत ऐसा लग नहीं रहा कुछ भैया आपको? अगर रिएक्शन, अगर मान लीजिए आपको अभी सांप ने नहीं काटा है, आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद जानिएगा, आपको तो खुद ही पता होगा, क्या डॉक्टर खुद लगता जानते होंगे ये चीज़।
था हर बार शनिवार को काटता, इस बार आपको बृहस्पति को। हाँ, अभी आगे क्या पूर्वाभास आपको? आगे पूर्वाभास क्या है, आगे सैटरडे, अभी सैटरडे को तो नहीं काटेगा क्योंकि बृहस्पतिवार को बाइट कर चुका है अपनी।